अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर लाइफ ऑफ फिरापा एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह हम सबका ये वाला साल बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज पिछला साल बहुत ही हेवी था, बहुत ही ज़्यादा हेवी था हम सब पर। मेरा तो बिल्कुल ही हेवी था, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वाला साल एकदम परफेक्ट रहेगा और हम सब वो सबको कामयाबियाँ खुशियाँ नसीब होंगी, आमीन। सो आज का जो व्लॉग है स्टार्ट करते हैं। सो जी, ये आ गए हम इधर, ठीक है। मैं गई थी नवाबशाह, नवाबशाह में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी की, तो वहाँ पे मेरे कज़न के बच्चे बेटे की अकीका भी था, तो वो भी सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। और ये जो बेड है जो आपको नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन पर, ये पुराना बेड है, ये मेरी अम्मी अबू के ज़माने का बेड है, मतलब कि 30 साल तो इसको ऑलमोस्ट होने वाले होंगे या हो गए होंगे। तो ये इतना पुराना बेड है जो अभी तक सही सलामत कंडीशन में है हमारे पास, और हमने इस पर सारे कपड़े सामान ऊपर रखे हैं, इसको कोई ख्याल नहीं किया मगर इसका, ठीक है। सो ये इतना पुराना बेड था अम्मी वालों का, और अम्मी ने गांव से इसको यहाँ पे बुलाया कि यहाँ शहर में हो जहाँ मैं रहूँ फ़िलहाल। और ये है मेरा ड्रेस जो मैंने सोचा कि मैं पहनूँगी अकीके पे, बिकॉज बहुत सर्दी थी और फैमिली गेट टुगेदर था, तो उस हिसाब से ये खदर का टू पीस नूरे का बिल्कुल ही सूटेबल था उस पार्टी के लिए, ठीक है। सो इधर इसको जो है ये नूरे का टाइन डाई था, इसको मैंने ऑर्गेंजा की पट्टी लगवा के स्टिच करवाया, और ऑर्गेंजा की पट्टी के ना डिज़ाइनिंग के आखिर में भी कुछ होना तो अच्छा लगता है, बस बीच प्लेन नहीं होना चाहिए, जैसे बीच में है और इसके नीचे लगा हुआ है बॉर्डर लगा हुआ है कपड़े का, काफ़ी अच्छा लगता है उसका। सो ये मेरा ऑर्गेंजा का सॉरी खदर का सूट, नूरे का टू पीस टाइन डाई का, स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत गर्म था, काफ़ी अच्छा स्टफ़ है नूरे का, ठीक है। और ये आ गया इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र भी मैंने सिंपल सी बंच के साथ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई, पहनने के बाद बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस पर मैंने जो है ना अपनी स्टिचिंग थोड़ी सी डिफरेंट करवाई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके साथ ये मैंने कैरी किया है लाइम लाइट की शॉल, छोटी शॉल है, स्मॉल वाली, बड़ी वाली शॉल नहीं है, हेड कवर्ड वाली स्टोल टाइप की शॉल है, ठीक है जी। ये स्टोल टाइप की शॉल है, मिस उस जैसी छोटी सी है, तो आप इसको एज ए शॉल कैरी करें या स्टॉल कैरी करें एज यू विश। और ये आ गया है दूसरा हमारा काम की चीज़, ये है हुडी। ये हुडी मैंने ली थी चैनमेंट से, ठीक है। जितनी सर्दी थी ना उस हिसाब से ये हुडी कमाल की है, कमाल की। मीन्स उस इतनी हवा थी उस दिन, इतनी सर्दी थी, वो मैंने ये जैसी हुडी पहनी ना एकदम गर्म, मीन्स पसीना निकलना मेरा शुरू हो गया था। इवन अभी भी जो है ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद, तो अभी भी मैंने यही हुडी पहनी हुई, इतनी सर्दी लग रही है आज हैदराबाद में, इतनी हवा है ऊपर के, क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं फ्लैट्स में, तो ज़ाहिर के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा आती है, तो मैंने अभी यही हुडी पहनी हुई, थोड़ी कम लग रही है और लाइट भी नहीं है हमारे पास अभी। तो ये हुडी मैंने चैनवन से लास्ट ईयर ली थी फ्लैट 50% ऑफ से, ये थी 6,000 रुपये की और मुझे मिली 3,000 रुपये में। तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करें, एक चीज़ अच्छी लें जो आपको फॉर एवर चल सकती है, क्योंकि मैंने लास्ट से लिया था डाइनर्स का एक स्वेटर लिया था, इतना अच्छा गर्म है मैं आपको क्या बताऊं, अभी तक वो मेरे पास है क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं, तो मैंने कहा एक में तो गुजारा नहीं होना ना, तो दूसरा भी लेना चाहिए, तो फिर मैंने ये चैनवन से भी लिया और अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो अच्छी चीज़ लेनी चाहिए, एक बार लें पर चीज़ अच्छी लें, एक बार ही पैसे यूज़ करें, बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सुकून रहेगा आप लोगों के पास भी। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप चैनवन से जाके ये वाला हुडी हो या कोई दूसरा ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ये सारा सामान बिखरा हुआ था, ये सारा सामान, अब ये सामान भी सेट करना है, ऊपर से मेकअप भी करना है। अच्छा, मेकअप के लिए मैंने टॉप फेस का जो है ये बोनेंजा का मैंने मेकअप रिमूवर यूज़ किया, इस इतना अच्छा मेकअप रिमूवर है कि स्किन एकदम मॉइस्चराइज हो जाती है, सर्दियों के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, एकदम मेकअप तो रिमूव हो रहा था बाकी स्किन भी मेरी इतनी अच्छी मॉइस्चराइज थी कि ड्राई तो हो ही नहीं रही थी, क्योंकि वजू भी कर रहे हैं बार बार और जो है मेकअप भी रिमूव करना होता था, तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ये मैंने मलेशिया से क्रीम आई थी, हाइड्रेटिंग क्रीम मेरे हस्बैंड लाए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी, वो लगाने के बाद ये बीबी क्रीम, मैं ये तीन चीज़ें मैं लगा रही थी और मेरी स्किन एकदम परफेक्ट, बस कहाँ भी कहीं पर भी मेरी स्किन ड्राई नहीं थी और पेची नहीं थी बिल्कुल एकदम, मेकअप भी बहुत ही अच्छा लग रहा, स्टे कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अप्लाई की अपने फेस पे पूरा एक हफ़्ता, ठीक है, लगाओ और उसको फिर मेकअप रिमूवर से रिमूव कर दो, तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही मज़े का था, ठीक है। और पे ये मैंने ईमेल का ये 21 वाला शेड इतना अच्छा लग रहा था इस सूट पे, उफ़ वाओ, ये बहुत अच्छा शेड था, मिस एकदम गज़ब गज़ब, ठीक है। और टॉप फेस का जो है ना ये बोनेंजा का ज़रूर, मिस अगर आपको अभी के लिए चाहिए ना ड्राइनेस हो रही है स्किन की या कोई इशू हो रहा है, बिलीव मी ये यूज़ करें, आपकी आप तारीफ़ करेंगे,
क्योंकि स्किन अभी भी मैंने क्या किया, आज मैंने लगाया है और उसको फिर मैंने हल्का सा ये लगा के इसको रिमूव किया मेकअप। इतनी अच्छी सॉफ्ट स्किन है कि मैं क्या बताऊँ, मिस और कोई मॉइस्चराइज इतना अच्छा स्किन नहीं करता हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बाहर, और सामने ही रहते हैं मेरे चाचू वाले, तो मैंने कहा चले हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस से हम लोग जा रहे थे, आज जा रहे थे, मज़ा आ रहा था काफ़ी, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे बाहर। ठीक है, अच्छा जी, मैन जहाँ पे मैं भी स्टे कर रहे थे ना, हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे थे, सोसाइटी से नवाब शाह का जो है ना नाम होता है कि एक ना गांव टाइप की इमेजिनेशन आती है शुरू में, बिकॉज़ हम लोग भी रहते थे तब वैसा ही माहौल था जब शुरू में हम लोग रहते थे। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए हैदराबाद, तो काफ़ी मिस पूरा काफ़ी टाइम तो हम लोग हैदराबाद में ही रहे और हैदराबाद में ही हैं अभी भी। तो यहाँ इतने अच्छे घर थे, सोसाइटी में इतने अच्छे घर थे कि मेरा मुंह खुला का खुला रह रहा था। मिस मैं इसको देख, मिस किसी के गेट ओपन होता था ना, मैं वॉक करके, हम लोग पार्क जा रहे थे वॉक करने या कुछ करने जा रहे थे, तो मैंने कहा यार ये क्या, मिस कराची वाले घर यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं, वो भी नवाब शाह में, मीन हैदराबाद में मैंने इतने अच्छे घर नहीं देखे। हैदराबाद में एक सोसाइटी है जो मुझे लगता है कि अच्छे घर हैं वहाँ पर, इसरा सोसाइटी है, उसके घर मुझे अच्छे लगे, पर ये तो वाह वाह, मीन अंदर से एकदम इतने खूबसूरत घर, इतनी अच्छी एंट्रेंस घरों में, कि मैं तो देखते ही फिदा हो रही थी। मीन सोसाइटी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने अपने मियाँ को बता रही थी कि यार ये बहुत अच्छी सोसाइटी थी, मीन इमेजिनेशन से बहुत ही ऊपर, वो भी नवाब शाह के शहर में, तो वाह वाह नवाब शाह ने बहुत अच्छी तरक्की की है। सो घर बिल्कुल सामने से ये मासी आ गई, उन्होंने मुझे बोला कि चलो सामान दे, आप कहाँ मोबाइल भी पकड़ेंगी, सामान भी पकड़ेंगी, बच्चे को भी पकड़ेंगी, तो आधा सामान तो वो ले गई क्योंकि मेरे साथ सामान होता है, बच्चों के जैसे सामान एक बैग होता है मेरे साथ, और ऊपर से ये जैकेट भी था, तो काफ़ी चीज़ें थी। सो सामने हैं बस पहुँचने वाले हों बच्चे, देखे बच्चों को मैंने फुल पैक रखा, मीन इतनी हवा थी, इतनी सर्दी थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बस बहुत ज़्यादा, तो सब ने हाई नेक्स पहने हुए थे, डबल लेगिंग्स पहनी हुई थी बच्चों ने अंदर से, और ये मेरी भतीजी है होरिया नाम है इसका, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलती है, तो ये होरिया बेगम जी आगे चल रही थी। ठीक है जी, अब हम लोग पहुँच चुके हैं, अब थोड़ा सा म्यूज़िक देखें, उसके बाद हम पूरा एंड तक व्लॉग ज़रूर देखेगा, एंड में आपको सारे खाने भी दिखाऊंगी जो हमने खाए, मेरी बचपन की मेमोरीज़, बहुत मज़ा आया है जहाँ इस ट्रिप पे, जिस टाइम इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया मुझे, तो स्टार्ट करते हैं।
इसलिए नवाब शाह की जो है सबसे बेहतरीन है रसमलाई। रसमलाई आपने ना नवाब शाह की खाएंगे ना तो आपको दूसरी कोई पसंद नहीं आने वाली, नवाब शाह जैसी रसमलाई कहीं पर नहीं, कहीं पर नहीं। और ये स्टेशन के बर्गर, ऑफ माय गॉड, बस इतने मज़े के होते हैं ना, मुकाबला इसका हैदराबाद ना ही कराची, इस मैंने कहीं नहीं खाया इतने मज़े के, बिकॉज ऑफ बन। और ये जो वो सॉस देते हैं ना, वो दही और ग्रीन चिली वाली, ओ हो, इतना मज़े का फ्लेवर था, क्या पता। बस हमने एक बार तो रिकॉर्ड किया, बाकी बार हम लोग सेकेंड टाइम भी हमने खाया बहुत मज़े के साथ, सुकून के साथ, तो काफ़ी मज़े का होता है। देखिए अभी मुझे याद आ रहा है, उसके साथ कॉम्बो था कोल्ड ड्रिंक और खाने के बाद आइसक्रीम, वो भी मशीन वाली। बस अच्छा सा कॉम्बो बना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और ये है स्प्रिंग रोल, ये भी बड़े अच्छे नवाब शाह के मिलते हैं, कहीं और पर मैंने अभी तक नहीं खाए, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, लगा होगा, ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।